सो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड वायरल इंस्टाग्राम कंटेंट। यस गाइस, आपने सही सुना, हाउ टू फाइंड वायरल इंस्टाग्राम कंटेंट। गाइस, आज के समय में इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा बूम पे है एंड कुछ समय से मैं भी इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ एंड मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट जो है वो इनसेन है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक आसानी से ड्राइव हो रहा है एफिलिएट ऑफर्स पे, बट गाइस जो चीज है, जो मेन चीज है, वो ट्रैफिक आता है वायरल पोस्ट से। अगर आपके पास वायरल पोस्ट नहीं है, आपके पास समझ नहीं है कि कैसे उनको पोस्ट किया जाए, कौन से पोस्ट वायरल होते हैं लाइक दैट, तो आप वो ट्रैफिक गेन नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे फाइंड करें अपने नीश के अकॉर्डिंग वायरल पोस्ट। सो उससे पहले गाइस करता हूँ आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल ऑनलाइन मनी में। और अगर आपने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ये बेल आइकन बहुत बड़ा हेडक है बिकॉज इसके वजह से नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो मेक श्योर कि बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। और गाइज अप्रिशिएट करें, मुझे लाइक करें इस वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊं, और हो सके तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड, अगर हो सके तो लेट्स गो। सो माय नेम इज टीएन, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वाचिंग एज यूजुअल ऑनलाइन मनी। तो दोस्तों, क्या है कैसा क्या करना है लाइक दैट, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वही चीज कि कैसे फाइंड करते हैं वायरल कंटेंट, हाउ टू फाइंड वायरल कंटेंट फॉर योर इंस्टाग्राम पेज। तो गाइस, सबसे पहले तो आपकी नीश होगी, हो सकता है वेल्थ, राइट? सबसे पहले नीश जो होगी वो होगी वेल्थ, मतलब मेक मनी ऑनलाइन लाइक दैट थिंग्स। दूसरी आपकी हो सकती है हेल्थ, और गाइस जो थर्ड है वो हो सकती है टेक, राइट? तो गाइस, इससे भी और भी बहुत सारी आपकी जो नीश है वो चीज हो सकती है, हेल्थ वेल्थ टैक कॉस्मेटिक लाइक दैट थिंग, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट मैं ये तीन चीज अभी आपके सामने लेके आया हूँ, हेल्थ वेल्थ एंड टैक। तो कैसे फाइंड करते हैं इसके वायरल कंटेंट, आपको जरूरी नहीं कि आप खुद का कंटेंट क्रिएट करो, या आप सेम कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो, या आप दूसरों का कंटेंट उठाकर उसको रिपोस्ट भी कर सकते हो। तो ये तीनों चीजें कैसे होती हैं, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं एंड देन टाइप करते हैं सबसे पहले हेल्थ। सो इजी, आपको आगे यहां पर टाइप करना है हेल्थ एंड देन यू नीड टू फाइंड सम पेजेस लाइक दिस, राइट? और दिस हैशटैग, ओके। सो सबसे पहले हम लोग हेल्थ का जो क्या बोलते हैं रिसर्च है वो करेंगे, ठीक है? जो मेन फैक्ट है दैट इज कॉल्ड रिसर्च, आपको सबका पहले रिसर्च करना है। देखो, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट बिलीव मी, अगर पूरा देखोगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी आपके लिए, बिकॉज यहाँ से बहुत ट्रैफिक आपको मिलेगा फ्री फंड में, ठीक है? सो यहाँ देखो, ये है 6172 फॉलोइंग वाला पेज, राइट? बट इसका जो इंगेजमेंट है वो मैं बोलूंगा काइंडली ठीक है, बट ज्यादा अच्छा नहीं है। सो हम लोग इस पेज को बंद कर देंगे। नेक्स्ट पेज है दैट इज कॉल्ड हेल्थ नोन 18,000, इट्स गुड इंगेजमेंट पेज, ओके। सो यहां से आपको कैसे फाइंड करना है मैं आपको बता दूं। गाइज देखो, आपको इनका कम से कम अर्ली पोस्ट नहीं भी तो जितना भी पोस्ट है ऑन एवरेज उसका निकालना है, जैसे कि 506 पोस्ट है, ओके। सो ऑन एवरेज इनके शुरू के 100 पोस्ट आपको चेक करने हैं, ओके। लाइक दिस यू नीड टू चेक ये पोस्ट, ओके। सो ये पोस्ट क्यों गया वायरल आपको समझना है, रिसर्च करना है, राइट? 20 ईयर्स की जब थी ये एंड 40 ईयर्स की जब हुई है, ठीक है? और इसका ईयर भी लिखा है और ये भी लिखा है कि इसका क्या कितने समय में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सो ये जो पोस्ट है ये वायरल है, सबसे पहले आपको ये पिक करना है, ठीक है? फिर देन और चेक करना है, अभी रुकना नहीं है, और चेक करना है आपको। देखो, ये 7,000 कुछ, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा खासा हुआ, इसको भी आपको कॉपी पेस्ट करना है। इट्स मीन कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो अच्छे पोस्ट हैं ऑन एवरेज वाले नहीं, जो अच्छे पोस्ट हैं हाईएस्ट पोस्ट हैं इसका आप इसका भी ले सकते हो, 4,000 के पार है, ठीक है? एंड ये भी 4,000 के पार है तो आप इसको भी ले सकते हो, देन ये भी 4,000 के पार है इसको भी ले सकते हो, ये 3,000 है ऑन एवरेज आपका काम आ जाएगा, ठीक है? एंड देन
ऐसे करके आपको बहुत सारे पेजेस को जाके देखना है और उनमें से आपको हेल्थ के पोस्ट निकालने हैं। अब कुछ और चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे। देन आपको क्या करना है, हैशटैग्स को फॉलो कर लेना है। लाइक ये जो हैशटैग है हेल्थ, अब आप इसमें देखो टॉप ट्रेंडिंग पोस्ट कौन से हैं। सबसे पहले तो ये जो ट्रेंड कर रहा है अभी, एंड देन लेट मी चेक। ओके सो ये जो इस मोमेंट पे सबसे टॉप पे ट्रेंड कर रहा है, देखो आप टॉप पे ट्रेंड करने का मतलब सिर्फ लाइक्स नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक उसका ये जो हेडिंग है, सॉरी जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो, एंड देन कमेंट्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसको टॉप में लाने के लिए। ठीक है, सो ये पेज काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो इसको देखते हैं, चेक करते हैं, बहुत अच्छी फॉलोइंग है, 1 मिलियन तक जाने वाली है। सो दिस इज़ द बेस्ट पेज फॉर यू। ओके सो इसका देखो जो कंटेंट है, जिसमें जो बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब हाईएस्ट लाइक पिक करके लेके आया है। लाइक इसका आई थिंक 10,000 ऑलमोस्ट जो है वो हाईएस्ट लाइक है। तो आपको ये जो 10,000 वाले हैं उनको पहले निकाल लेना है, साइड में रख लेना है। ठीक है, मतलब मतलब टॉप के पोस्ट जो एकदम हाईएस्ट जा रहे हैं वो, देन उसके बाद मीडियम एंड देन उसके बाद लोअर। आपको 3 पोस्ट का जो है वो डाटा बनाना है, पहले एक हाईएस्ट का, दूसरा जो है वो मीडियम का, और जो तीसरा है वो लोएस्ट का। ठीक है, तो इन 3 को आपको पहले सबसे पहले फाइंड कर लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अब नेक्स्ट जो है हम लोग वो सर्च करेंगे वेल्थ के लिए। ओके सो वेल्थ मतलब एफिलेट, एफिलिएट, ओके एफिलिएट टिप्स, राइट। ओके ओके एफिलिएट टिप्स, लेट्स चेक। सो एफिलिएट, सो गाइज एफिलिएट का मुझे कुछ मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। देन देखो ये एफिलिएट में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मुझे लगता है ये पेज इट्स लुकिंग गुड। सो देखते हैं इस पेज का क्या हो सकता है। सो गाइज यस बूम, अच्छा फॉलोइंग है इसका, 12,000 के आसपास फॉलोइंग है। सो आप देखो ये बंदा कुछ भी नहीं डाल रहा है, सिर्फ पैसे पैसे डाल रहा है। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, आप इससे ये निकाल सकते हो कि इसका जो देखो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट गया है लाइक दिस, ये तो अब इसने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में, क्या हैशटैग यूज़ किया, ये आप देखो। एंड इसको क्या करना है, आपको इसको कॉपी करना है और नेक्स्ट ऐसा ही पोस्ट आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, ऐसे ही पेजेस पे जाके, लाइक अभी हम लोग एफिलेट का वो जो हैशटैग था उसके पे थे। ठीक है, अब मैं एफिलेट मार्केटिंग के हैशटैग पे जाऊंगा। तो एफिलेट मार्केटिंग का जो हैशटैग है वो 1 मिलियन से भी ज्यादा है, राइट। एंड देन आपको वही काम करना है, तो ट्रेंडिंग पोस्ट यहां पर भी आपको ढूंढनी है, राइट। सो दिस इज द गुड पोस्ट। सो आपको क्या करना है गाइस, बिलीव मी, अगर आपको तेजी से इस मार्केट में ग्रो होना है, सबसे पहले तो इस चीज़ को आपको कॉपी कर लेनी है। ठीक है, या तो आप कॉपी करो या तो खुद इसको क्रिएट करो। देन आपको क्या देखना है कि ये बंदा यहाँ पर क्या लिख रहा है। अब जो डिस्क्रिप्शन है वो सेम नहीं लिखना है आपको, ठीक है, सिमिलरिटीज होनी चाहिए बट सेम कॉपी नहीं करना है। ठीक है, उसके जैसा आपको बनाना है एंड वो डिस्क्रिप्शन आपको यूज करना है। ओके, देन आपको चेक करना है उसके हैशटैग्स, कौन से हैशटैग उसने यूज़ किए, और वैसे ही हैशटैग्स आप सेम भी हैशटैग यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो हैशटैग्स वो यूज़ किया उसको अप डाउन करके यूज़ करो, मतलब आप समझ रहे हो उसके प्लेसेस को चेंज करके यूज़ करो। बिकॉज पूरा कॉपी करोगे तो जो पोस्ट सेम उस जगह ट्रेंड कर रहा है, जरूरी नहीं आप पर ट्रेंड करे बट हो सकता है कि वो आसपास आपका भी ट्रेंड करे, इससे सिमिलरिटीज आती हैं और अकाउंट डाउन शैडो डाउन होने का खतरा होता है। ठीक है, तो ये आप ऊपर नीचे करके यूज करो एंड जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप सेम लिखो। तो ऐसे करके आपको बहुत काम करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कौन से पोस्ट अच्छे हैं कौन से पोस्ट खराब हैं। पहले आपको तीनों का बनाना पड़ेगा, देन आपको इसमें से हाईएस्ट वाले में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, मीडियम वाले से में सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड लोएस्ट में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। लोएस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो पोस्ट जो एकदम से लाइक ही नहीं आ रहे, लोएस्ट मतलब अपने हिसाब से, जैसे कि किसी का 10,000 फॉलोइंग है और उसका हाईएस्ट जो है वो मान लो आप है 4,000, ठीक है, या 3,000 जो भी, इसका 2,000 होगा, 2,000 2,500 हाईएस्ट होगा। ठीक है, 10,000 के मुकाबले जो भी पेजेस होंगे, ठीक है।
तो अब उसका सबसे हाईएस्ट हो गया आपका 2000, देन उसका जो मीडियम है वो है 1000 1100 लाइक दैट, ठीक है। एंड देन जो उसका लोएस्ट है, अब उसका लोएस्ट मतलब 300 200 या 100 या 300 या 400 ऐसे नहीं, लोएस्ट मतलब कम से कम 800 700, ठीक है। अब इसमें से इन तीनों मीडियम में से आपको एक बेस्ट पोस्ट निकालना है, और ये आपकी रिसर्च 100 पोस्ट पे हो या 50 पोस्ट पे हो या 10 पोस्ट पे हो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितने पोस्ट पे करते हो। ज़्यादा पोस्ट लेके आओगे और उस पर रिसर्च करके कुछ गुड पोस्ट निकालोगे तो वो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और आप ये जो पोस्ट है इनको फिर से क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप canva.com का यूज़ करके सेम टू सेम पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, या आप इनको ही स्क्रीनशॉट लेके अपना नेम लगा के या इनका नेम हटा के इनको रीपोस्ट कर सकते हो। दोनों ही तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो दोस्तों यही आसान सा तरीका है आपको इंस्टाग्राम में बहुत फायर फ्लो ग्रो होने का, ठीक है गाइज। तो गाइज इस वीडियो में तो इतना ही, बट गाइज मैं आपको बोलूँगा कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, एंड जो आपका पोस्ट है वो मोस्ट सर्चेबल पोस्ट होना चाहिए, तभी आपका जो इंस्टाग्राम है वो बहुत तेजी से ग्रो हो पाएगा और आप अच्छा खासा एंगेजमेंट पा पाओगे। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही गाइज, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइज। ऐसे ही वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो। सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।